उनसे जब प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के ऊपर कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो अभद्र टिप्पणियां करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी से संबंध क्यों न रखता हो। शिमला संसदीय क्षेत्र की सोलन शहर में पहली रैली का आयोजन सोलन के गंज बाजार में होने जा रहा है। ये रैली कांग्रेस द्वारा आयोजित की जा रही है। इस रैली में कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शंखनाद करेंगे, उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल भी उपस्थित रहेंगे। इस रैली से उम्मीद है कि सोलन की ठंडी फिजाओं में राजनीतिक माहौल गर्म हो जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने आधिकारिक रूप से जानकारी देते हुए बताया कि 20 अप्रैल को पछाड़ के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सोलन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुकेश ने कहा कि वीरभद्र सिंह का समूचे हिमाचल में बड़ा जनाधार है और उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में हिमाचल चारों सीटें जीत कर आएगी। सोलन में सांसद वीरेंद्र कश्यप ने प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ जातिगत टिप्पणी कर राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इसलिए उन्हें अपनी टिप्पणी पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष को इस घटना पर उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसलिए चुना क्योंकि वे एक विशेष जाति से हैं। ये सरकार गलत है और ये कथन बर्दाश्त के परे है और यही वजह है कि सारे देश में आक्रोश दिख रहा है। उन्होंने कहा कि इस कृत्य के लिए अशोक गहलोत को माफी मांगनी होगी। सोलन में हो रही बेमौसमी बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, क्योंकि किसान न पक्की फसल को काट पा रहा है और न ही नए पौधों की बिजाई कर पा रहा है, जिसके चलते अन्नदाता परेशान है और सरकार से सहायता की उम्मीद लगा रहा है। आपको बता दें कि सोलन में टमाटर और मटर यहाँ की नकदी फसलें हैं, लेकिन न टमाटर को बीज पा रहे हैं और न मटर की फसल का तुड़ान कर पा रहे हैं, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया कि उन्होंने खेतों को बुआई के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है, लेकिन जमीन गीली होने के कारण टमाटर, शिमला मिर्च और पहाड़ी मिर्च की बुआई नहीं हो पा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मटर, लहसुन, गेहूं, जौ की फसल तैयार है, लेकिन बारिश होने की वजह से उन्हें वे काट नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फसल खराब होने की कगार पर है। यही कारण है कि उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। खर्चों में कई तरह की कटौतियां करने को मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि वे इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दें और कुछ मुआवजा उपलब्ध करवाएं, ताकि उनका घर खर्च चल सके। बारिश से नुकसान, जैसे अब लहसुन की फसल है वो आ रही है, तैयार हो रही है, कणक हमारी कटने के लिए तैयार है, जौ वगैरह है कटने के लिए तैयार है, सारे ही हवा से तूफान से कणक जो नीचे गिर चुके हैं हवा से तूफान से,
लहसुन की फसल भी खराब हो चुकी है लगभग, और टमाटर लगा नहीं पा रहे हैं। मटर का जो आजकल सीजन चला था, पीक सीजन था, वो बारिश की वजह से मिट्टी में वो मिल जाते हैं, जैसे कई बार जम्मा नहीं लगता है तो उसमें जो छोटे जिम्मेदार हैं नहीं लगा पाते हैं, तो वो चीज़ खराब हो चुकी है सारी।